Hey guys, welcome or welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all would be doing great. और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, हाय, मेरा नाम है मुस्कान और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है. आज की वीडियो बाकी सारे हॉल से कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होने वाली है. जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख करके पता लगा ही लिया है कि आज की वीडियो होने वाली है सन ग्लासेस हॉल, वो भी नन अदर देन मीशो. अब मीशो का नाम आ जाता है तो हम सबको पता है अफोर्डेबल चीज़ें तो मिलती ही मिलती है. लेकिन इतनी सरप्राइज हूँ मैं इस बार जो मुझे सन ग्लासेस रिसीव हुए हैं उनकी क्वालिटी से. इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है गाइस, लिटरली बहुत अच्छी क्वालिटी है. प्राइस अफोर्डेबल के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं मीशो वाले. मैं जितनी भी सारी सन ग्लासेस आपको दिखाऊंगी सारी की सारी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. जो भी पसंद आए फटाफट जा करके उसको खरीद लेना. तो बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू. तो पहला जो सनग्लासेस है मेरे पास वो है ये. अब मैं आपको बता दूं कि इनकी जो पैकेजिंग आई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग में इन्होंने भेजा था. पहला है ये, इस पर आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखाऊंगी आपको. इस पर पूरे में एनिमल प्रिंट दे रखी है. और ये वाले ग्लासेस आपको ब्लैक वाइट हर कलर में मिल जाएंगे. बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहे थे, मैंने ये चुना क्योंकि इसमें जो ये एनिमल प्रिंट है इसका कलर मुझे थोड़ा मतलब अलग लगा. एनिमल प्रिंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. अब आप देखो ये कैसे लग रहे हैं, मुझ पर कमेंट करके बताना कि आपको कौन से अच्छे लगे इस हॉल वीडियो में से. अब क्या होता है ना, सबका फेस शेप अलग अलग होता है. तो मुझे क्या जनरली ऐसे जो बड़े वाले ग्लासेस होते हैं, जो मेरा फेस ऐसे तो छोटा है लेकिन जो बड़े ग्लासेस होते हैं मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. लेकिन कुछ और ऑप्शन ट्राई करने के लिए मैंने ये वाले भी खरीदे हैं. इसका मेन फीचर यही है, जब इसकी शेप देख रहे हो और इसके जो ये एनिमल प्रिंट दे रखे हैं वो बहुत अच्छी, मतलब इसको खूबसूरत तो इसकी ये प्रिंट ही बना रही है. अब आप मुझे बताओ कि मेरे फेस शेप के हिसाब से सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और बात करूँ अगर इन्फ्लुएंसर्स की तो क्रिएटर्स की, उनको फ़ोटोज़ के लिए, हम सभी को ही फ़ोटोज़ के लिए ग्लासेस की ज़रूरत तो होती ही होती है. और कुछ अलग स्टाइलिश ग्लासेस मिल जाए तो फ़ोटोज़ अच्छी आ ही जाती हैं. और इसकी अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे चुभने वाला नहीं है. कुछ कुछ ग्लासेस में क्या होता है कि ऐसा यहाँ पे ऐसे चुभता है उसका मटेरियल जो भी वो यूज़ करते हैं. लेकिन ये एक तो इतना स्टाइलिश है, मतलब इतना ज़्यादा स्टाइलिश है. उसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी गाइस, ट्रस्ट मी इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा सही है. तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगा. अगला ग्लास मेरे पास ये है. ये आपका डबल शेड में आ जाएगा, नीचे कुछ और मतलब दो शेड्स में ये आ जाएगा. ये ट्रायंगल में बना करके दे रखा है. बाकी तो जो फ्रेम है इसकी ब्लैक कलर की है, ट्रायंगल में है. ये जो दो शेड्स है ना ये इसको काफ़ी ज़्यादा अलग लुक दे रहे हैं. इसकी क्वालिटी तो सबकी अच्छी है. बार बार क्वालिटी की बात करने से जब मैं उनको एक ही बार बता दूँ क्वालिटी सबकी अच्छी है. अब ये देखो ये जो मेरा फेस शेप है ना उस पर इस टाइप की चीज़ें सूट करती हैं. अब आप देख के बताओ कि ये वाला आपको कैसा लग रहा है. अब क्या है, गर्मी आ गई है, हम बाहर जा रहे हैं तो मतलब धूप से बचने के लिए हमको सनग्लासेस की ज़रूरत तो होती होती है. तो मैं सोचती हूँ कि बैग में एक ऐसा पैर या दो तीन पैर डाल दिए कि कभी फ़ोटो भी खिंचाना हुआ ना तो उस हिसाब से काम आ जाते हैं. और इतने सस्ते में अगर मीशो वाले तुमको दे रहे हैं तो अभी के अभी जा करके ले लो, क्योंकि बहुत अच्छे हैं ये. अगर तुम ऐसे या फिर ऐसी फ़ोटोज़ के लिए यूँ ऐसे सर पर रख करके भी खिंचवा सकते हो, फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएंगी तुम्हारी. और जो इसका शेप है ना, ये ट्रायंगल भी नहीं कहूँगी, थोड़ा अलग ही टाइप का शेप है, तीन एंगल वाला शेप हो गया ना, बहुत ज़्यादा सुंदर. शेप भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. ब्लैक है, सारे आउटफिट्स के साथ चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. कमेंट बताना कि कैसा लग रहा है ये मुझ पर. अगले ग्लासेस की बात कर लेते हैं. मैं आपको पहले ही गाइस बोल चुकी हूँ इसकी जो पैकेजिंग है ना, ऐसे पैकेजेस में दे रहे हैं, इतने सस्ते में दे रहे हैं. पैकेजेस तो मतलब बहुत अच्छी पैकेजिंग है यार, ब्रांडिंग तो है ही नहीं इसमें, पैकेजिंग बहुत अच्छी है. अगला है मेरे पास ये भी थोड़ा ट्रायंगल वाली शेप का. ये आप साइड से इसका लुक देख लो. यहाँ पे आपको ये ना इस टाइप का दे रखा है, जो नॉर्मल हम ग्लासेस वेयर करते हैं उसमें भी ऐसे दे रखे होते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा दर्द ना हो, जो ये दे रखा था इसे चुभे ना इसीलिए. और ये जो है ना पूरी इसकी बॉडी जो फ्रेम है ये मेटल की फ्रेम है, बिल्कुल सस्ती क्वालिटी नहीं है. पहनने के बाद आप ही मुझे कमेंट करो, बताओ, अभी पॉज करके कमेंट करके बताना कि ये वाला कैसा लग रहा है. आज की वीडियो में सारे ही ट्रेंडी ग्लासेस लेकर के आई हूँ. अब बताओ मेरी फेस शेप पे ये कैसा लग रहा है. और तुमको भी अच्छा लग रहा है ना जा करके ले लेना इसे. ट्रायंगल में है इस, ये इसका थोड़ा शेड है ना, मुझे नहीं पता स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है लेकिन इसका शेड थोड़ा ब्लूइश टाइप में आ जाता है. और ये भी काफ़ी ज़्यादा बीच में ना शाहरुख खान की जो मूवीज़ होती है ना उसमें वो ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस पहनता था, तो तब से ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था बीच में. तो ये तभी मैंने ये वाला देख के ख़रीदा. और मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना, मैं फिर से वही बात कर रही हूँ क्वालिटी की, लेकिन मेरा
मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी है। उसके बाद आप देखो ये कि पहनने में ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा स्टर्डी है। कुछ कुछ अब क्लासेस क्या होते हैं ना, वो जो लोकल है, आप जो सस्ते थोड़े हम ले लेते हैं, वो क्या होता है ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एकदम फ्लैट नहीं रहते, थोड़े बाद ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हो तो मुझे बताना। तो ये मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ये बिल्कुल भी वैसा टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला है ना, तो इसके चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पहनने में भी सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ कि ये आपको मेरे फेस पर कैसा लगा। नेक्स्ट जो क्लासेस हैं, अगर आपको पिंक कलर पसंद है ना तो ये ले लेना। ये इसकी शेप भी एकदम काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप की शेप है, जैसा कि आप देख सकते हो साइड से, मतलब ऐसा नोक नोक टाइप तीखे सा ये निकला हुआ है। इसका जो ग्लास है उसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप का है, साइड से अगर आप इसका लुक देखो तो। और पहनने के बाद मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है इसको पहनने के बाद, थोड़े इम्पोर्टेड या थोड़े लग्जरी टाइप का ग्लास पहना हो ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है इसको पहनने के बाद। मुझे नहीं पता ये शायद मेरे फेस शेप पे सूट ना कर रहा हो, लेकिन आपके पे कर सकता है। और कलर जो मेन इसकी चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, कलर इसमें ना आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, पर मुझे ना ये बेबी पिंक शेड या जो भी शेड है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कलर कैसा लग रहा है, पहनने के बाद कैसा लग रहा है। इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक है, ये जो साइड का फ्रेम दे रही है ना प्लास्टिक है, तो गिर गया ना तो टूटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ना टेढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वालिटी हार्ड मटेरियल है इसका। तो पहनने में भी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, तो क्यों नहीं खरीदना है इसे। अगर ये भी पसंद आ रहा है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट में जा कर के बताना कि आप लोगों को मेरे फेस शेप पर कौन सा अच्छा लगा, क्योंकि आप आते हो वीडियो को देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, एक कमेंट तो करना बनता ही है ना, तो कमेंट करके ही जाया करो वीडियो पूरी देख रहे हो तो। नेक्स्ट ग्लासेस आई हैव इज़ द ओजी ग्लासेस। ये मैं मानती हूँ कि सबके पास होने चाहिए, वाइट कलर के ग्लासेस हैं, जो मैंने आपको पहले एनिमल प्रिंट वाले दिखाए थे, सेम वही, थोड़ा मतलब थोड़ा अलग पैटर्न है, पर ये वाइट कलर है। वाइट कलर के ग्लासेस पहन लो आप, फोटोज़ में इतने प्यारे लगोगे, इतने अच्छे लगोगे, ट्रस्ट मी, ये मतलब आपका लुक ऐसे चेंज कर देंगे। कोई भी वाइट कलर के ग्लासेस ये नहीं अच्छे लग रहे हो तो कोई और भी, पर जिसका शेप है बहुत अच्छा, इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो मैं ऐसे भी लगा लूँ या फिर मैं इसे पहन भी लूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मेरे लुक को एकदम से बदल रहे हैं। इस बार क्या है, वीडियो में सारे के सारे छोटे ग्लासेस खरीदे हैं, अगर आप चाहते हो कि थोड़े बड़े ग्लासेस का भी हॉल वीडियो बनाओ, कमेंट करना, वो भी बना दूंगी मैं आपके लिए। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पहनने में भी क्वालिटी सब सारी सारी चीज़ों पर, अगर मुझे कोई टिक मार्क लगाने को बोले ना, सारी चीज़ों पर मैं इसके टिक मार्क लगा दूंगी। अब ड्यूरेबिलिटी कैसी है वो तो पहनने के बाद धीरे धीरे ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा सही भी लग रहे हैं। और क्या होता है ना, कभी कभी हमको फ़ोटोज़ के हिसाब से ऐसी चीज़ें चाहिए भी होती है, तो अगर ठीक है, अगर 5 से 6 बार भी ये चल जाए ना, तो भी हमारा मतलब रहता है कि पैसा वसूल वाली फीलिंग हो गई। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और ये शायद मात्र 100 रुपये का था या कुछ ऐसा ही था। मैं आपको लिंक दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिंक। जो अगला पेयर है मेरे पास वो राउंड ग्लासेस हैं, ब्लू कलर में आ जाते हैं। अब इसे अभी हम पहन लेते हैं। ये ना काफ़ी मतलब बाकी जो ग्लासेस दिखाए ना मैंने, वो थोड़े हैवी थे, मतलब पहनने में भी उठाने में भी, लेकिन ये इतने ज़्यादा लाइट वेटेड हैं, इतने ज़्यादा लाइट वेटेड है ना गाइस, आप साइड से भी इसको देख सकते हो, पहनने में भी मतलब इतने अच्छे। और अगर आप राउंड ग्लासेस में जाना चाहते हो, ये पूरा मतलब राउंड हो गया, ओवल भी नहीं, पूरा राउंड हो गया। और थोड़े पॉप ऑफ कलर्स भी ट्राई करना चाहते हो, जैसे ब्लू ग्रीन सारे कलर्स में मिल जाएगा अवेलेबल आपको, ऐसा ट्राई करना चाहते हो ना ये खरीदना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है और पहनने में ऐसा लग नहीं रहा है कि ज़्यादा कुछ हैवी पहन लिया, तो पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर स्लीक टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, वो वैसा लग रहा है। फ़ोटोज़ के लिए फिर वही बात कहूँगी कि फ़ोटोज़ के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए ही होती हैं, तो ऐसे नहीं तो फ़ोटोज़ के लिए ही देख सकते हो तुम। यहाँ पर भी गाइस सेम वही चीज़ आ जाती है, यहाँ पे भी आपको ये प्रोटेक्शन के लिए इधर दे रखा है, तो आपके यहाँ पे जैसे वो निशान बन जाता है ना, जो लोग सनग्लासेस या जो लोग बहुत ज़्यादा ग्लासेस भी वेयर करते हैं तो भी उनको पता होगा कि यहाँ पे ऐसे निशान बन जाते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। सेम इसका भी ना डबल शेड है, आगे यहाँ पे आपको हल्का शेड दिख रहा होगा, यहाँ पे मतलब अंदर की तरफ से ब्लैक आ रहा है और बाहर की तरफ से ब्लू शेड आ रहा है, जैसे कि आप पहनने पर मुझे पता चल रहा है, सामने से आपको ब्लू ही दिख रहा होगा लेकिन अंदर की तरफ से थोड़ा ब्लैक ब्लैक शेड आ रहा है।
हाँ क्लियर विजन है, दिख मुझे सारा सब कुछ क्लियर ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका कलर शेड कैसा है। पहनने में आप मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो आज की वीडियो के लिए मैं यही सारे ग्लासेस लाई थी आप लोगों के लिए। अब मुझे फटाफट कमेंट में जाकर के बताना, और नई क्या वीडियो देखना चाहते हो, कौन से ग्लासेस अच्छे लगे, कौन से खरीदे। तब तक के लिए कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। प्रेस द सब्सक्राइब बटन गाइस, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन में प्रेस कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। तो मुझे बताना कि क्या अच्छा लगा इस हॉल वीडियो में से। अगली वीडियो में रिकमेंडेशन भी प्लीज़ मुझे देते हुए जाना। मैं हर वीडियो में कहती हूँ लेकिन आप रिकमेंडेशन नहीं दे करके जाते हो, तो आते हो ना, देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में कर दिया करो, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मेरा ज़्यादा मिल जाता है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।